नैनीताल जिले में जिस प्रकार से नशे के कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में बड़ी खबर हल्द्वानी से सामने आ रही है, जहां हल्द्वानी के कोतवाली क्षेत्र के SOG नैनीताल और SI धर्मेंद्र कुमार चौकी प्रभारी हीरानगर संयुक्त टीम के द्वारा होटल मिनी पैराडाइज रेस्टोरेंट वर्कशॉप हल्द्वानी से दो युवकों को अवैध स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी 24 वर्षीय राजा पुत्र गुलाब सिंह निवासी अहमदनगर पोस्ट बिटोरा नई बस्ती फतेहगंज पश्चिम जिला उत्तर प्रदेश व 30 वर्षीय रविंद्र कुमार पुत्र छरीराम निवासी सराय नई बस्ती वार्ड नंबर 7 थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली उत्तर प्रदेश को 101.7 ग्राम अवैध स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को आरोपी राजा के कब्जे से 61.72 व रविंद्र कुमार के पास से 39.98 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। पुलिस को द्वारा आरोपियों से पूछताछ में बताया गया कि आगामी त्योहारों के चलते इसकी मांग ज्यादा होने के कारण स्मैक को कम दामों में खरीदकर उचित दामों में बेचकर मुनाफा कमाना था। साथ ही पुलिस के द्वारा जनपद व राज्य से आरोपियों का आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है। नैनीताल SSP के द्वारा पुलिस टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए 5,000 का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसमें इस माह पूरा फरवरी से एक अभियान चलाया गया था, जिसमें 4 बड़े कंसाइनमेंट शराब के पकड़े गए थे और स्मैक पे हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दिशा में कल रात सायं को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। राजा और रविंदर ये बरेली के रहने वाले थे और पुलिस के पहले भी रडार पे चल रहे थे। ये दोनों आपका वर्कशॉप लाइन में सीढ़ियों के पास बैठे हुए थे। पुलिस द्वारा जब इनको तलाशी के लिए देखा गया तो ये लोगों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा इनकी तलाशी ली गई, उनसे 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। हमारी SOG की टीम और हीरानगर चौकी द्वारा एक कंबाइंड अभियान चलाया गया था। इस पे मेरे द्वारा टीम को 5,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की।